खेल में हार जीत लगी रहती है, हार और जीत दोनों के अलग मायने होते हैं। आपकी जीत हुई तो दुनिया सलाम करती है और हार गए तो लोग हिम्मत देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई खिलाड़ी हार कर भी जीत जाता है। ऐसे ही खिलाड़ी हैं शतरंज के प्रज्ञानंदा। प्रज्ञानंदा को चेस विश्व कप 2023 में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने हरा दिया है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, दुनिया में कार्लसन से ज्यादा प्रज्ञानंदा की चर्चा हो रही है। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहला टाई ब्रेकर ड्रॉ रहा था, लेकिन दूसरे टाई ब्रेकर में कार्लसन ने प्रज्ञानंदा पर आसानी से जीत हासिल कर ली। किसी भी खेल में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई खिलाड़ी हार कर भी कमाल कर जाता है। प्रज्ञानंदा ने कुछ ऐसा ही किया है। दुनिया के नंबर दो और नंबर तीन को हराकर वो फाइनल में पहुंचे थे। बालों पर तेल चेपा हुआ है और माथे पर हल्का सा चंदन। साधारण कद काठी देखने में प्रज्ञानंदा किसी साधारण से बच्चे जैसे लगते हैं। कोई चमक नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन आंखों में चमक, लेकिन ललाक पर तेज देख आए, कहेंगे ये तो कोई असाधारण सा खिलाड़ी है। दुनिया के सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर की हार भी सेलिब्रेट करने वाली है। जिस उम्र में बच्चे साइकिल की मांग करते हैं, रोते हैं और नखरे करते हैं, उस उम्र में इतिहास रचने वाला कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रज्ञानंदा का मुकाबला उस कार्लसन से हो रहा था जिसने क्लासिक फॉर्मेट में 5 बार खिताब अपने नाम कर चुका है, 6 बार वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप जीती है, 2011 से नंबर एक खिलाड़ी है। कार्लसन ने साल 2005 में पहला वर्ल्ड कप खेला था। इसी साल प्रज्ञानंदा का जन्म हुआ था। प्रज्ञानंदा अभी 18 साल के हैं, करियर अभी शुरू हुआ है। शायद ये हार उन्हें आगे की कई जीत के लिए रास्ता खोल सकती है। आज प्रज्ञानंदा के सफर में उनकी मां का साथ हमेशा रहा। प्रज्ञानंदा की बहन वैशाली भी शतरंज की अच्छी खिलाड़ी है। पहले दोनों भाई बहन टीवी बहुत देखते थे। माँ ने फिर शतरंज की क्लास में एडमिशन करवा दिया, फिर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। माँ बेटे की एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर की एक कहानी ये है कि शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी गैरी कास्परो ने भी इस पर ट्वीट किया था। दरअसल प्रज्ञानंदा ने फेबियानी कारुआनो पर जीत हासिल कर FIDE विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी। प्रज्ञानंदा की माँ हर वक्त अपने बेटे के साथ ही जाती हैं। वो हर विदेश यात्रा पर अपने बेटे के लिए एक स्टोव और स्टील का बर्तन अपने साथ ले जाती हैं। नागलक्ष्मी ने एक बार कहा था कि प्रज्ञानंद के खेलने वाले अखाड़े इतने शांत होते हैं कि मैं हमेशा डरती हूँ कि लोग मेरे दिल की तेज धड़कनों को सुन ना सके। मैं अपने बेटे से किसी भी गेम के दौरान आंखें नहीं मिलाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जानता हो कि मुझे पता है कि वो क्या महसूस कर रहा है। एक माँ के रूप में मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है या निराश है। दूसरी बाजी के बाद कार्लसन ने प्रज्ञानंद के बारे में कहा कि प्रज्ञानंदा पहले ही बेहद मजबूत खिलाड़ी के खिलाफ काफी टाई ब्रेक खेल चुके हैं। मुझे पता है कि वो काफी मजबूत है। अगर मेरे अंदर कुछ ऊर्जा होगी, अगर मेरा दिन अच्छा होगा, तो बेशक मेरे पास अच्छा मौका होगा। कार्लसन को भी लग रहा था कि कहीं प्रज्ञानंदा बाजी पलट ना दे। शायद इसीलिए प्रज्ञानंदा के हारने के बाद भी पूरी दुनिया उनको शतरंज का अगला सितारा बता रही है।